अनुवा लेटर लेटर सोच ही रहे थे, मुझे अपने आप हंसी आ रही थी। क्या करना है? वो जो साशा की विदाई के समय जो हिजड़े आ गए। हाँ, तकरीबन 4:30 बजे सुबह 5 बज रहा था, तब दो टोली आई उसमें से, और दोनों में से कि ये एक कोई विमला और कोई कमला कोई रोशनी। हाँ, ऐसे ना होते हैं ये सब लोग थे। तो एक ग्रुप आके जब बैठ गया तो उनमें से जो एक लड़की टाइप वाला ज़्यादा अपने आप को समझ रही थी, लाल लिपस्टिक और पूरा वेल तैयार लंबी चोटी, और पहले जब उसने सोचा कि उसको कोई देख नहीं रहा है तो उसने पहले ऐसे निकाली अपने मोबाइल निकाली तो ऐसे किया, फिर उसके बाद उसने फिर इधर से उधर जैसे चोटी उसने यूँ ही घुमाई पूरा बड़ी लंबी चोटी थी यहाँ से यहाँ तक पूरी, फिर उसने क्या फिर उसने ऐसे देखा और देखने के बाद उसने बोला कि फिर उसने लिपस्टिक से टचअप ऐसे ऐसे उसने पूरा किया, तो कहती है सुंदर हूँ उसने बोला। फिर उसके बाद जो दूसरी पार्टी वहाँ पे आ गई तो दूसरी पार्टी वाली कहती है अरे तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, कह रहे ये तो मेरा इलाका लगता है। तो कह रहे अच्छा ठीक है तुम लोग यहाँ रहो, हम लोग दूसरे और में इलाका जा रहे वो कवर करते हैं, तुम लोग ए रोजी ए कमला तुम लोग यहाँ रहना, लड़के की अम्मा से तुम 21,000 लेके जाना और लड़के के माँ से 1.25 लाख रुपया लेना है। ये सभी लोग आपस में तय तोड़ कर रहे थे कितने में पुलिस आ गई। नहीं इसका अब इसको दूसरा इसमें देखना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा कि उस पूरे दौरान हुआ क्या। जब ये हुआ क्या कि ये इनका दूसरी टोली आ गई है तो दोनों में खुशबू हुई और ये कहा गया कि साहब ये उसका इलाका दूसरा है और तुम उसमें कैसे हस्तक हो गए, तो उन्होंने ये हुआ तय हुआ कि इसमें जो कमजोर पक्ष है यानी जिसकी लड़की वाला है उसको पहले चूस लो, और लड़के वाले तो ज़्यादा 1.25 लाख रुपए तक पहुँच रहे थे और वो हिजड़ा था वो कह रहा हाय 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 हम तो 1.25 लाख से नीचे नहीं लेंगे, अब तो 1.25 लाख ही देंगे, ताली कर रहे उसके सारे हिजड़े सब बाहर। और तब तक लड़की वाले ये हुआ मामला तो ये लड़की के माँ के पास पहुँचे तो उनसे बोले हाय हाय मम्मी मम्मी तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही है मम्मी, अब हम तुमसे जितना कितना ले, अच्छा तुम तो है लड़की वड़की वाले हो ना तो जितना दे पाओगी दे कोई दिक्कत नहीं। और नहीं कहता तक पिछला वाला बोला मम्मी से क्या था मत लेना 21,000 ले लो बस हो गया, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अब वो उसके बाद ताली बजा रहे मम्मी हाय मम्मी, तो उसमें अब वो साशा की जो माँ है वो बहुत दुबली पतली है, वो ऐसा लगता है कि खाली किसी ने धो करके उनका पेटीकोट पे जी ब्लाउज तू अलिनिन टांग दिया और तेज हवा आ गई है, तो जैसे ही बार बार वो पूजा कर रहे थे लड़का लड़की खड़ी थी लड़का लड़के तो वो उसका लेके पूजा का सामान ऐसे ले ऐसे कह रहे ले करके अब वो कह रहे आए आए मम्मी आए आए मम्मी मामी अरे उधर वीडियो ना फिर से बताओ अब वो ऐसे से तुम लोग वीडियो में तुम लोग तो बोलो तो बोले वो बोले कि हाय हाय मामी और ये मैं पूछे ऐसे अरे ओ दो चार बार ने हाय हाय मम्मी मम्मी तुम तो सुंदर लग रही हो है हमारा हिस्सा दियो, तो बोले कि अब वो तूफान आ गया तेज हवाएं आ गई तो पेटीकोट ब्लाउज जो ऊपर फड़फड़ा रहा था खाली तो वो अब फड़फड़ा अरे मम्मी खाली मैं अपने बेटी की शादी करूं विदाई करूं कि तुम्हारा पैसा मैं नहीं, तो दूसरा हिजड़ा जो है वो चिल्लाई से हाँ जब दहेज दिया लड़की पैदा किया खिलाया पिलाया पढ़ा तब नहीं आज हम मांग रहे हैं तब आज चिल्लपो कर रही हो हाय मम्मी। अच्छा इस बीच में नहीं मम्मी से नहीं कहा था मम्मी के तेज बोलने से गुस्सा आ गई थी तो अगले वाले से गिरी थी बगल में कोई बैठा था उससे बोला था हाँ वही था तो फिर मम्मी भी नहीं करती ऐसे कर जब पैसा दिया
अब दहेज दिया इतने बड़े बड़े से दहेज दिया, अब पूरे लड़की दे दी पैदा करके पढ़ाया लिखाया, अब हम मांग रहे हैं तब मार एंट में नहीं है। और भैया इसी बीच में पुलिस वाला आया कि पुलिस अभी बताएंगे क्या होता है क्या होता। जब पूरा प्रकरण चल चुका उसके बाद बीच में पुलिस आती है, पुलिस वहाँ किसी वजह से आ जाती है, और उसके बाद वहाँ क्या होता है जो दो ग्रुप बैठे थे वो गैप बिना पैसे लिए भाग गए। एक गेट से एक तरफ दाएं तरफ पुलिस मुड़ी, बाएं तरफ ये हिरणों की टोली, बस नहीं था कि दौड़ लगा ले, पैर अपने इतने सरपट सरपट आगे आगे लंबे लंबे कदम बढ़ा लिए कि पूरे जो उनको 501 भी लेना था तय तोड़ हुआ था वो भी बिना लिए दिए कुछ भी लिए वहां से भाग खड़े हुए। तो अब सुनिए, अब एक संदेश जाता है, संदेश जाता है कि हिजड़ा हमारे समाज का एक अनिवार्य पक्ष है परंपराओं के हिसाब से, उसका समाज में और कोई योगदान नहीं है, वो केवल ये है कि सब समसंभाव की बात करता है, हर सा अस्तित्व की बात करता है, कि हिजड़ा भी समाज का एक अंग है। तो क्योंकि वो ट्रांसजेक्टर है, ट्रांसजेंडर पे है, तो इसलिए उनको भी पालने की हमारी परंपराओं में है, उनको पाला जाए तो ठीक है, उनको भी पैसा दिया जाना चाहिए, जिसे आप दूसरे को ना उनको धोबिन को चमाइन को इनको सबको देते हैं पैसा, सबका हिस्सा बनता है और पूरे सम्मान के साथ उनको दिया जाना चाहिए उन परंपराओं के आधार। जैसे पंडित को दक्षिणा देते हैं तो सबको उसे क्यों दीजिए, क्योंकि उनको भी जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है और वो आपके साथ समाज पर आश्रित है, लेकिन वो अक्सर वो गुंडागर्दी करने पर आमादा हो जाता है। तो जब उनको पहले आइए वो नाच वाच करना शुरू करें, लेकिन आते ही आप पहले गुंडागर्दी करने करेंगे, पहले तो अपना हुनर दिखाइए, उनको आशीष दीजिए आशीर्वाद दीजिए, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन पहले पैसे निकालो सवा लाख से कम नहीं देंगे, अब तो बड़ा अजीबोगरीब होता है ये गुंडागर्दी। इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है जो इसमें दिखाई पड़ा, वो ये है, इस पूरे जो पुलिस वाले ने हस्तक्षेप किया था, बाद में मुझे पता चला हमसे भाग करके पुलिस वाले भी अलग जा करके उन्होंने तोड़ दिया कि उसमें शायद 1000 रुपए की तय तोड़ हो गई थी, तो तीन पुलिस वाले थे उन्होंने 1000 रुपए बांट लिए उसमें से, मुझे पता नहीं चल पाया था क्योंकि मैं चला आया था शादी कर रहा था। तो उससे अच्छा तरीका ये है कि अगर वो 1.25 लाख से आप बचाना चाहते हैं या 51,000 या 25,000 बचाना चाहते हैं, 5,000 रुपए में आपकी तय तोड़ हो सकता है क्योंकि 8-10 लोग हैं सबको 1,500 रुपए दे दिए, तो समझिए 1,500 रुपए 4,500 दे दिए, लेकिन वो 1.25 लाख और 51,000 21,000 मांग रहे थे, ये गुंडा करती है। उसको रोकने के लिए एक बहुत तरीका ये है कि 10 नंबर को फोन कीजिए, झूठे को दे दिए किताब अभी बवाल आया, अब वो पुलिस वाला पुआ करा आएगा जुड़े तो आते समय बताइए भाई पराइए पकड़िए आप पुलिस जी, आप ये 500 रुपये 1,000 रुपये लीजिए आप जाइए, तो आप 1,000 रुपये का खर्च दे करके आप उनसे निपट रहे, लेकिन उसके साथ एक दूसरी शर्त है, एक बुराई को दूर करने के लिए दूसरी परंपराओं की शुरुआत मत कीजिए, आप जो पुलिस वाले ने 1,000 रुपये मांगा है उसका वीडियो बना लीजिए और दूसरी खबर बताइए हमको बताइए, तो पहली वाली खबर हम बताएंगे आपको और उसके बाद पुलिस वाले जब सस्पेंड किए जाएंगे उन पर मुकदमा चलेगा कि उन्होंने घूस लिया इतना पैसा लिया, तो उस पर हम फिर खबर करेंगे और तब तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हम इसी तरीके की आपको खबर देते रहेंगे। और क्योंकि हमारा अभियान ही है meriebeater.com, हम पूरे श्वेत पत्र के तहत पूरा अभियान छिड़ रहे हैं, तो आपको तरीका भी बता रहे हैं और तरीका से जो दूसरे गतिरोध आ रहे हैं जो समस्याएं आ रहे हैं उसका समाधान भी आपको बता रहे हैं। तो हमारे इतने सारे सहयोग रूही सिद्दीकी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये इस पूरे प्रकरण का हम लोग नाम देते हैं शासा की शादी के किस्से। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इस जो किस्से के साथ किस किस तरीके से पूरे अभियान पूरा चलाकर, और इसमें हमारे TSM मेडिकल कॉलेज के थे फिजियोथेरेपिस्ट हैं गौरव श्रीवास्तव जी वो हैं, और उनको दिखा दीजिए जो उसको शूट कर रहे हैं उनको, बकुल ये इसको पूरे दौरान इन्होंने इसको शूट किया, छोटा तो मैं हमने भी किया और गौरव जी ने किया, लेकिन ये बकुल सोवीर जी हमारी बड़ी बेटी है उसने किया है और वो meriebeater.com के संस्थापक संपादकों में भी हैं। तो इस पूरे लिए हम इस पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं और आप किस को संकल्प देते हैं कि साशा सोवीर की शादी के किस्से ये हम बाकी खबरों के साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई खबरें में आपको दे जाए, तो यकीन बड़ी दिलचस्प घटनाएं होंगी वो। तो शब खैर आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट, फिर अगली बार किसी मोड़ पे हम मिलेंगे।
तब तक नमस्कार, कुमार सोवीर, लखनऊ।